चलिए भाई, हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं फिर से क्लास को। लिस्ट में आपने देखा था, अब हम लोग थोड़ा टपल को एक ओवरव्यू लेते हैं छोटा सा। टपल के लिए क्या करना होता है आपको सबको पता है। टपल में हम लोग एक वेरिएबल एज ऑब्जेक्ट लेते हैं टी इक्वल टू, और टपल को एम्प्टी बनाने के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं। देखो टपल क्रिएट हो जाएगा, कैसे पता चलेगा देख लीजिए आप। प्रिंट करके इसको PRINT प्रिंट, और इसका टाइप अगर पता करना चाहें तो पता चल जाएगा इसी से कि है क्या भाई, क्लास बन गया है कि नहीं बन गया है। टाइप के अंदर पास कर दीजिए टी को। अगर इसने क्लास को बताया कि भाई टपल टाइप का है तो इसका मतलब आपका सही है। जी हाँ, देखो क्लास टपल टाइप का है बता रहा है। आप इसी चीज़ को टपल नाम के मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, TUPLE टपल, टपल नाम के मेथड से भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। रन कराइए, देखो तब भी वही बता दिया है ना। आप इसमें टपल में वैल्यूज भी डाल सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप इसको रन करा लीजिए तो देख लीजिए अब ये कुछ एरर आएगा। हाँ जी, एरर आना बिल्कुल शायद जायज़ है कि टपल में आपको ऐसे नहीं करना है। हमें लगता अब सही हो जाना चाहिए। ये देखिए अब सही है ना। आप इसे प्रिंट करा लीजिए टपल को, PRINT प्रिंट, और टी की वैल्यू को प्रिंट करा लीजिए। अब रन कराइए, देखिए आपको आउटपुट मिलेगा। ये देखिए टपल की वैल्यूज आपको दिखाई दे दी सब है ना। अच्छा, आपने देखा था टपल टपल और लिस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस दिख रहा है आपको। जो वहाँ पर स्क्रिप्ट सिंबल लगता था, यहाँ पैराथेंसिस सिंबल लग रहा है। वहाँ भी सिमिलर डिसिमिलर रखते थे, यहाँ भी सिमिलर डिसिमिलर टाइप की वैल्यू रख सकते हैं। देख लीजिए करके, ये देखिए 9 के बाद आप लिख दीजिए कुछ, एक फ्लोट वैल्यू रख लीजिए, एक आप लिख लीजिए TRUE ट्रू टाइप की वैल्यू रख लीजिए बुलियन टाइप की, एक आप स्ट्रिंग टाइप की रख लीजिए। आपको डाउट ना हो कि भाई इस करता है कि नहीं करता है। रन कर देखिए, ये देख लीजिए आपको मिक्सअप टाइप की वैल्यू रख दिया उसने। इससे भी आईडी पता कर सकते हैं, आपको आईडी पता है कि आपको आईडी पता करना है तो क्या कर सकते हैं। देख लीजिए सब अलग बताया उसमें मैंने आपको, लिस्ट में है फिर भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि आपका डाउट ना बने, सर इससे होगा कि नहीं होगा, तो आपके डाउट मैं क्लियर पहले ही कर दूँ कि इसमें होगा कि नहीं होगा। करके देख लीजिए आप, जब आपके सामने प्रैक्टिकली है तो आपको क्या करना। देख लीजिए उसका एड्रेस आ गया कुछ ना कुछ, जो भी एड्रेस था ये देखिए आ गया। अच्छा, अपडेट करने की बात थी सर, वहाँ अपडेट हम कर ले रहे थे, क्या यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे? अपडेट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? टपल इम्यूटेबल टाइप का डाटा टाइप होता है, मतलब यहाँ पे आप इसे हटा नहीं सकते हैं। चलिए करके देख लेते हैं। रानू जी सही कह रही हैं सर, हमारे सामने अगर प्रैक्टिकल अवेलेबल है तो मैं बताने की बात नहीं, सर अब करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, सही कहती हैं आप भी। तो यहाँ स्क्रिप्ट सिंबल, भाई स्क्रिप्ट सिंबल ये लिस्ट लेना देना नहीं है, इंडेक्स वैल्यू देने चल रहा हूँ। मैंने कहा जीरो लोकेशन पर आ जाए, हमने कहा यहाँ पे चलो आ जाए 5। तो अब आप नीचे आइए और प्रिंट करके देखिए, PRINT प्रिंट, और प्रिंट में अगर आप टी अगर पास करो तो आप रन कराओ तो क्या आएगा देख लीजिए भाई, एरर आएगा सीधे सीधे। क्यों आएगा? चूंकि यहाँ पे अनचेंजेबल टाइप का है। कुछ बताए हो क्या? हाँ देखिए, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, नहीं करेगा। अच्छा, असाइनमेंट नहीं करेगा टपल, लेकिन पूरी पेरू वैल्यू बदली जा सकती है। जरा देख लीजिए, यहाँ पे टी वेरिएबल है और यहाँ पे इसको हटा के आप इसके साथ में वैल्यू दे दीजिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो जाएगा मे बी, देखते हैं भाई। ये देखिए रन हो गया, टी की वैल्यू पे आपने उठा के फिर से ओ गॉड कॉमा ऐसे कर सकते कि नहीं कर सकते देख लेते भाई, प्रैक्टिकली है तो। जी हाँ देखिए, ऐसे पूरी की पूरी हटा सकते हैं वैल्यू। ये देखिए जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका पहले दिखाई दे रहा था भाई। अगर आप यहाँ टाइप करिए
पूरी की पूरी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी वैल्यू चेंज हो पाएगी, पार्टिकुलर नहीं कर पाएंगे। हमने देखो पूरी पूरी लिस्ट की वैल्यू चेंज कर दी, तब हो गया, ऐसे डायरेक्टली नहीं होता। जी साक्षी जी, क्या कन्फ्यूज़न? बेटा मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप अगर टपल में वैल्यू रख रखे हैं तो आप पार्टिकुलर एक को हटा नहीं सकते हैं, आप ओवरऑल को हटा सकते हैं। जैसे आपने देखा था, जैसे मैं क्या कहूँ, फिर से देख लीजिए, ए इक्वल टू आपने पैराथेंसिस में, पैराथेंसिस सिंबल में, अच्छा पैराथेंसिस सिंबल के बिना भी देखिए लिस्ट कैसे बनती है, मतलब टपल कैसे बनता है, 2,5, 2,4। अब आप यहाँ जाइए, ए इज इक्वल टू ए ऑफ, अगर इंडेक्स वैल्यू देने की बात करेंगे और इसकी वैल्यू चेंज करने की बात करेंगे, जैसे आप 9 चाह रहे रखना, तो ऐसा नहीं होगा, एरर हो जाएगा। देख लीजिए रन करके, ये देखिए ये एरर है डेफिनेटली। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो ए नाम का है उस पर आप, अब ये मैं हटा नहीं रहा हूँ, ओवर राइट कर रहा हूँ, देखिए एक वैल्यू कर रहा हूँ, हो जाएगा इस पर रन, और प्रिंट कर लीजिए आप, PRINT प्रिंट, और प्रिंट में आप ए करके देख लीजिए, रन हो जाएगा। ये देखिए 9 आ गया। सर ये कामा क्यों लगा दिए, कामा हटा दिया जाए तो? बेटा कामा हटा दोगे तो ये इंटीजर टाइप का ट्रीट होगा, फिर टपल टाइप का ट्रीट नहीं होगा। कैसे सर हमें पता चले? अरे तो भाई आपको जानना नहीं है, मानना नहीं है चीज़ों को, जानना है तो आप टाइप करिए, टाइप करके इसकी जाति खुद ही पता कराइए क्या है, इस मेथड से बता चल जाएगा कि आपकी क्या है। ये रखिए रन कराइए इसको, ये बता रहा है इन टाइप का है। लेकिन अगर आप कॉमा लगा के जरा देख लीजिए, जैसे कॉमा लगाते हैं आप और रन कराते हैं, देख लीजिए टपल टाइप का हो जाएगा। ये तो आप जानते हैं, स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से जान रखा है चीज़ें। अच्छा अब क्या करना है हम लोगों को, टपल अपडेट तो हो नहीं पाएगा, तो अपेंड रहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। डेल करने की बात करें क्या, हम लोगों ने उसमें डेल नहीं, रिमूव नहीं पढ़ा था है ना उसमें, तो इसमें रिमूव भी तो नहीं कर पाएंगे भाई, इस वाले में रिमूव भी नहीं कर पाएंगे हम लोग। लिस्ट में कर लेते, चलिए लिस्ट में जो नहीं किया वहाँ पे अभी कर लेते, कौन सा लिस्ट बनाने में टाइम लगेगा। ये देखिए मैंने इसको बना लिया लिस्ट, एक आध वैल्यू और डाल देता हूँ, जिससे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ TAR तारा, और मुझे तारा को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कौन सा मेथड है आपका, मेथड है REMOVE रिमूव। किसको रिमूव करना है, A डॉट रिमूव, और रिमूव में किसको करना है आप यहाँ बता दीजिए, आप बता दीजिए इसमें तारा को ना, सिंगल कोटेशन मार्क TARA तारा, और रन कराइए देखें तो। ये रन कराया गया तो हम लोगों ने अच्छा कुछ दिखाया था ही नहीं, PRINT प्रिंट में आप ए को प्रिंट कराइए, तब तो समझ में आएगा क्या हो रहा है। ये देखिए भाई, और एक बार आप पहले ही प्रिंट करा लीजिए तो पता चलेगा भाई, PRINT प्रिंट में पहले आप क्या करिए, ए को प्रिंट करा लीजिए, अब बात समझ में आपको आएगी। देखिए पहली बार आप जो प्रिंट किए हैं तो उसमें 2, 4 तारा तीनों दिख रहा है, और क्लास उसकी क्या है, लिस्ट टाइप की है, लेकिन आपने रिमूव कर क्या कर दिया, 2,4 अब बच रहा है, क्यों, चूँकि आपने रिमूव कर दिया तारा को। अच्छा यही काम आप किससे कर सकते हैं, रिमूव से भी कर सकते हैं, और कौन सा मेथड था भाई, आप यही काम पॉप से भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, POP। लेकिन पॉप में हमको क्या करना पड़ता है, पॉप में हमें कुछ बताना नहीं पड़ता है, केवल रन कराना पड़ता है। तो देखो पॉप में भी वही चीज़ है, पॉप लास्ट को कर देता कहीं, फिर आप पे अगर पॉप को चला दिया तो क्या होगा, ज़रा देखिए आप POP फिर चला दीजिए, जैसे A.POP, तो सीधी सी बात है सर, तारा के बाद पहले जो होगा 4 वो भी रिमूव हो जाएगा। ये देखिए 1 by 1 करता है सर। अपेंड करना चाहते हैं, अपेंड करिए फिर वही वैल्यू, तो हमने कहा A.APEND अपेंड, अपेंड में मैंने क्या कर दिया, पहले 2 था 4 था, हम लोग 4 पहले प्रेस करेंगे, और फिर हम लोग 4 को कर रहे हैं, अब हम रन करा रहे हैं, ज़रा देखिए तो ये देखो 2, 4 दोनों आ गया। अच्छा फिर से एक बार इंसर्ट अपेंड कर दें, A.APEND, इसके नीचे कुछ रख दें क्या, बहुत हीट हो रहा है,
ए डॉट अपेंड में मैं इस बार में फिर से क्या तारा था ना टी ए आर ए तारा मैंने कर दिया, फिर रन करा दूं मैं, देख लीजिए अपेंड कर दिया। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ पार्टिकुलर अगर मुझे फोर को हटाना हो तो पॉप मेथड और एक काम करता है ए डॉट पॉप, आप इंडेक्स वैल्यू इसमें पास कर दीजिए, लेकिन जो वैल्यू करेंगे वो विदाउट स्क्रिप्ट में करेंगे, नॉर्मल आप एक वैल्यू दीजिए वो माना क्या जाएगा, माना जाएगा वो इंडेक्स नंबर, तो आप यहाँ दे दीजिए वन। आप कहोगे सर देखिए हमारे में न वन तो कहीं है ही नहीं है, तो ये वन आपका वैल्यू नहीं है बल्कि वन उसका क्या है, वन उसका इंडेक्स आप पास कर रहे हैं। चलिए उसके बाद आप रन कराइए इस प्रोग्राम को, देखिए क्या होता है। आप देख पा रहे हैं कि आपका फोर जो है वो हट गया है, चूँकि वन लोकेशन पर कौन था, जीरो वन, जीरो पे ये था टू था और वन पे कौन था, ये फोर था, आपने वन देख उसको हटा दिया। अच्छा आप चाहते हैं कि मैं अब कौन है वन, अगर आप रन कर लिया जाए तो क्या आउटपुट आएगा देख लीजिए, यही अगर आप उठा कर यहाँ पे वन ना करके अगर आप टू कर दें और आप रन करा लें देखे तो ये देखिए जैसे आप टू करते हैं वो आपका तारा डिलीट हो गई, फोर भी है। ठीक है, तो अपेंड मेथड भी आ गया, डेल भी इसी तरह होता है पूरा क्लियर कर देता है और भी जो फंक्शंस हैं वो चल जाएंगे। हालांकि फंक्शन आपको नहीं समझाना है, टेक्निकलिटी हमको समझाना है इसमें, हम आपको प्रोग्राम कैसे करें ये बताना है। तो आपने टपल भी जान ही लिया, टपल क्या होता है, हम टपल के बाद जो अगला जानना चाहते हैं वो बताएंगे आपको। अभी देखो ओवरव्यूज दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में तो पढ़ा नहीं रहे आपको, आपको केवल डाटा टाइप की बात बताया जा रहा है, डाटा टाइप क्या है कुछ ऐसा कंसेप्ट, चूँकि आपने ज़्यादातर प्रोग्राम कर चुके हैं और आपका कंसेप्ट ही क्लियर है। टपल के बाद सेट की बात आती है ना, सेट याद होगा आपको, हमें सेट अगर करना है तो यस नाम का एक ऑब्जेक्ट के लिए, और हम सेट के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं और यहाँ पे वैल्यू वन कामा टू कामा थ्री कामा फोर कामा फाइव ये देते हैं, इसका नाम यस वन रख लेते हैं। और इस बार मैं फिर से दूसरा सेट बना रहा हूँ, यस टू कर रहा हूँ, इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ, फिर अब क्या यूज़ कर रहा हूँ इसमें, अच्छा यहाँ पे आपको पैराथेसिस में ये लिखना है। अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ उसमें, वन कामा टू कामा वन कामा टू कामा थ्री कामा फोर कामा थ्री कामा फोर कामा फाइव कामा सिक्स कामा फाइव कामा सिक्स। तो सेट आप जानते हैं, सेट में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, अगर सेट में अगर आपने रखा है तो सेट में डुप्लीकेट वैल्यू हटा देती है। आइए करके देख लेते हैं, पी आर आई एन टी प्रिंट, प्रिंट करने के बाद एस वन, और फिर से आप आते हैं यहाँ पे प्रिंट जाते हैं, फिर से लिखते हैं पी आर आई एन टी प्रिंट और इसमें आप करते हैं एस टू, रन करा के देख लीजिए, फिर सुन लीजिए कैसे आउटपुट आएगा देख लीजिए आप। पहली वाली लिस्ट में तो कोई डुप्लीकेसी नहीं था, तो वन टू थ्री फोर फाइव एज इट इज आ गया है। दूसरे वाले सेट में देख लीजिए, डुप्लीकेट आपको मना नहीं कर रखा था कि आप दो ना दो, लेकिन वो आउटपुट में नहीं लेगा उसको, और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू होता नहीं है कि आप कुछ कर पाएंगे। जी हाँ हाँ, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, सही कह रहे हैं आप देवेश जी, क्या मैं ऐड कैसे करूँ मैं उसमें ये अगर जानना चाहूँ तो, जी हाँ बिल्कुल साक्षी जी, ऐड कराना चाहते हैं तो ऐड नेम का मेथड था ना शायद, देखते हैं यस वन डॉट ऐड, सेट में भी क्या सिमिलर टाइप डिसिमिलर टाइप की वैल्यू रख सकते हो, मतलब फ्लोट स्ट्रिंग रख सकते हो, करके देखते हैं जब प्रैक्टिकल में है। जी रानू जी, तो क्या है राजा, मैंने कहा कि राजा ऐड कर दिया जाए और हमें फिर प्रिंट करना पड़ेगा पी आर आई एन टी प्रिंट। भाई आपको नीचे आके प्रिंट कराना होगा, क्योंकि आपने जो कुछ किया है वो ऊपर किया है। आइए रन करके देखते हैं हम लोग, बिल्कुल सही भाई, आप देखिए लास्ट वाले में राजा को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, बिल्कुल सही, ऐड नाम के मेथड से हम लोग ऐड करते हैं। एक से ज़्यादा सर वैल्यू कैसे करते हैं, अपडेट से करते हैं, अब देखते हैं अपडेट चलता है कि नहीं चलता है, चल गया तो बढ़िया है। अपडेट मेथड में आप मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा कह रहे ना, ठीक है। रानी सिंगल कोटेशन में रखना होगा आपको, जब दो ही करके देख लेते हैं, अगर चला तो ठीक है भाई, नहीं चला तो भी कोई बात नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ, राजा रानी
RAJNI। कुछ अजीबोगरीब कुछ बात हुई यहाँ पे। आई नो ये जुपिटर है, कुछ सपोर्ट नहीं करता, ये तो प्रॉब्लम हम लोग हो रही थी अब एक्सटेंड मेथड में भी, तो सब फंक्शन इसमें नहीं चलेगा। लेकिन डेफिनेटली जो आपको बताया गया है जो कॉपी में है वो सही है। हम जिस दिन टेक्स्ट एडिटर्स को चेंज करके फिर से वीडियो अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ज़रूरी नहीं हम इसके बाद नहीं करने वाले हैं, वीडियोज अपलोड होंगे, देख सकते हैं आप। तो आइए हम लोग 6, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है। ये कुछ हमने क्या कर रखा है, सेट टू में रखा है। यूनियन ऑपरेशन जो हम लोग करते थे ये वो वाला करते हैं, देखते कैसे करते थे। याद है यूनियन ऑपरेशन कैसे करते थे हम लोग? तो अगर यूनियन ऑपरेशन याद हो तो S1 डॉट कहीं है भाई, देख लेते हैं, एक मिनट चेक करते हैं यूनियन ऑपरेशन कहाँ था। यूनियन ऑपरेशन में मेरे पास नोट्स तो एक्चुअली में है नहीं कि मैं आपको जस्ट से देख के बता दूं। और इस समय क्लासेस सबकी चल रही हैं, चाहे वो अलग अलग बैचेस की, तो दिमाग में बात भी नहीं है कि आपको मैं याद करके बता दूं। यूनियन यूनियन ऑपरेटर कैसे था भाई? यूनियन ऑपरेटर कहाँ पता चलेगा, देखते हैं, मैं चेक करके बताता हूँ। बस आप लोग एक बार देखते रहिए वीडियोस को। यूनियन ऑपरेटर, यूनियन ऑपरेटर है ना, ऑपरेटर था, ऑपरेटर इन पैथन, मेरे सामने देखते आ जाता है, मैं देख लेता हूँ यूनियन ऑपरेटर कौन कौन से हैं। पैथन सेट ऑपरेटर मेथड्स हैं, है तो मेरे पास फंक्शन है, यूनियन फंक्शन है, ऑपरेटर उसका जानना चाहता हूँ कौन था ऑपरेटर, क्या था भाई ऑपरेटर, तो दिख नहीं रहा इसमें। हालांकि आप लोगों को बताया हूँ, देख सकते हैं, मैं एक ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको कैसे करते हैं यूनियन। तो यूनियन एक एस थ्री ले लीजिए आप, यहाँ पे एस थ्री, एस थ्री इक्वल टू डायरेक्ट यूनियन ही देख लीजिए, यू एन आई, यू एन आई ओ एन, यूनियन में आप पास कर दीजिए एस टू को और प्रिंट करा लीजिए आप यहाँ पे PRINT प्रिंट, और प्रिंट आप एस थ्री को करा लीजिए, आपको आउटपुट पता चल जाएगा। एक चल गया, मैं बाकी नहीं करने वाला हूँ, बाकी तो चल ही जाएगा, बिल्कुल सही है, यूनियन आपका काम कर रहा है भाई। और यूनियन अगर आपको समझ में आ गया तो इंटरसेक्शन भी देख लेते हैं। इंटरसेक्शन यूनियन था, इंटरसेक्शन है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, स्पेलिंग क्या था इंटरसेक्शन का भाई, यूनिवर्सल था कि यूनियन होता है और क्या होता है, इंटरसेक्शन था कि और कुछ था, कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे हमको लगता है कि इसको ड्रॉप करना पड़ेगा फिर आपको, क्योंकि वीडियोस बनती जा रही हैं उसमें मुझे दिख रहा नहीं आपका ऐसा कोई। मेथड्स सेट ऑपरेशन इंटरसेक्शन है, आई एन टी ई आर एस ई सी टी आई ओ एन इंटरसेक्शन, देखते हैं इंटरसेक्शन क्या करता है भाई। यहाँ एस फोर कर दीजिए आप, और यहाँ पे आप फिर से इसको कॉपी करके कंट्रोल सी, और यहाँ पे आप ले आइए फिर से इसको कंट्रोल वी कर देते हैं हम लोग, यहाँ एस फोर की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। चला तो बढ़िया ही है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम ज़रूर की है यहाँ पे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कुछ प्रॉब्लम किया ना, इंटर आई एन टी ई आर एस ई सी टी आई ओ एन, ये तो सही है भाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है।
और हालांकि ऑपरेटर से अगर देखें तो ऑपरेटर याद आ गया कि ऑपरेटर कैसे होता था। उसमें ऑपरेटर ये हुआ करता था, अगर ये चल गया तो बात सुनना जाएगी, कुछ इनवैलिड बता रहा है सिंटैक्स, कुछ न कुछ तो बात है इसमें। हाँ तो बात ये है कि ऑपरेटर के लिए डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं मुझे लगता है ऑपरेटर के लिए, तो अगर इससे हुआ कोई प्रॉब्लम तो शायद क्लियर हो ही जाएगा, नहीं फिर देखेंगे फिर क्या होता है। अब भी कोई प्रॉब्लम वही है, क्लियरिटी बात नहीं समझ में आ रही क्या है। तो हम लोग इसे ऑपरेटर को आगे आप वीडियोस में देखेंगे, आप अपने जो नोट्स हैं उसमें तो आपका सही रन करेगा। तो ये आपका रहा सेट, सेट में इन ऑर्डर होता है, इसमें इंडेक्स वैल्यू रख नहीं सकते हैं, कोई इंडेक्स वैल्यू होता नहीं है। तो बस ये रहा सेट, और आज के लिए ये वीडियोज़ भी कंप्लीट है। अब हम लोग नेक्स्ट डे पे आपको जो नेक्स्ट वीडियोज़ बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसको डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है, इट्स ओके।